हंसते हुए ले जा, ये हाथ के ऊपर भी ले, लेकिन चेहरे से दूर हाँ ले जा टाइप ऑप्शन है। चलिए हंसते हुए हाथ देखिए सर, हाँ ले जा सर, बोलिए मुँह से ले जा, हाँ इससे देखते ले जा। करे करे सर, और ये सर सेम करें, सेम थोड़ा सा ये है ना आपका बाहर आएगा, ये नहीं आने के लिए आप सिर्फ ऐसा करें तो नहीं आएगा। हाँ हाँ करेक्ट सर, हाथ यूज़ करें, शोल्डर यूज़ करें, जो शोल्डर को आप मूव करें थोड़ा, ये हाँ, और ऐसे भी करें, दूसरी तरफ भी करें, इस तरफ सर, इस तरफ ये हाँ करेक्ट, तो पैर भी यूज़ करें सर। ठीक चलिए सर, थोड़ा सर इस तरफ आइए, ये चलो सर, फेस थोड़ा उस तरफ, थोड़ा और इधर, ये चिनक सर, थोड़ा चिनक चिनक सर, ये थोड़ा चिनक, थोड़ा उस तरफ देखें, उसकी तरफ फेस को भी टर्न करें सर, ये और ज़रा सर, ये अभी एक्सप्रेशन सर, ये करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छे सर। मुंह को ना हाँ करेक्ट, मुंह को एक है अंदर डालना, गले के अंदर डाल देना, एक है बाहर निकाल, तो जैसे ये जैसे आप किसकी ओर जा रहे हैं ना, ओके तो ये करने से डबल चिन हो जाएगा। ठीक है, ये देखा थोड़ा जूम आउट कर सर, ये देख रहे हैं आप, हाँ ओके ओके, अब गर्दन भी करेक्ट, हाँ करेक्ट चले, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, और वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छे नाइस सर, ये चिन अप सर, लो आ गया मैं सर, एक बार मन में ऐसा बोल के करिए, लो आ गया, देखिए बहुत फर्क आ गया। मैं तो आ गया, चलिए सर और एक बार, और एक सर वही में करिए, बॉडी का पोजीशन मत हिलाएं, ओके खाली बोलिए लो में आ गया, और फेस को खाली आइए सर, पोजीशन लीजिए, पोजीशन लीजिए सर, और बोलिए सर यहीं पर, और एक बार सर, और एक बार चिन्ह भी रखिए, और एक बार हंसते हुए सर, इसमें मुझे एक यहाँ पे एक जज है और यहाँ पे एक जज है, तो आप बाहर निकल जाए, इसको देख रहे हैं हंसते हुए इनको देख रहे हैं, मैं आपको बता दूँ सर, आप ये देख रहे हैं 4 नंबर हंसते हुए ऐसा आगे आइए, बॉडी बेस्ट चले सर, बॉडी जा हाँ अब देखिए, ओके सर पॉइंट, बड़ी आंखें सर, बड़ी आंखों में सीधा मुझे देखिए, स्टेट कैमरा में देखिए, बड़ी आंखें बहुत बड़ी आंखें, ये कैरेक्टर लाउड में ऐड करना करेक्ट, हाँ फिर आपको टॉप से ना तो जाते जाते वापस जाने को तो डिफाइन है, सर ये थोड़ा ऐसा करें, मैं आपको बता रहा हूँ, ये करेक्ट, और हाथ को ऊपर, ये ऊपर जाए सर, ये ऊपर जाए फेस की तरफ, ठीक है नहीं नहीं ये करेक्ट है, आपका हाथ करेक्ट था, लेकिन ये ऊपर जाएगा, बहुत सर, एक वो धंधा लाने का सर, ये पकड़ लीजिए समझिए फ्लैग है, एक हाथ से ये और एक हाथ से मैं विनर हूँ ये। हाँ सर चेंज कर लीजिए। हाँ ठीक, हाँ करेक्ट बस। इसको हमको अंदर लगे सर, ये इधर ये। हाँ वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर। एक हैंड फोल्ड करके रखिए, रोप आउट, रोप निकाल दो। चंदन जी कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। रेडी गाइस, रोलिंग ओके, रोलिंग। चंदन जी, जो इंडियन मजाक लीग अभी आपका लाइव हॉकी के लिए प्रोग्राम आने वाला है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या स्पेशल है और क्यों आपने इसका चयन किया? ये मेरे जॉनर का प्रोग्राम है, ये कॉमेडी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं ये शो कर रहा हूँ। और इसमें लाइक मेरा स्टैंड अप भी मेरे को करने का मौका मिलेगा, लाइक गैग्स भी होंगे, कुछ इस तरह का प्रोग्राम है ये। आमून जो कॉमेडी शोज होते हैं उनसे कितना अलग रहेगा और क्या स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑडियंस को कि क्या? ये तो देखिए, ट्रीटमेंट जो देना है ये तो डायरेक्टर जी को ही पता होगा ना, ये ट्रीटमेंट कैसा देना है कैसे नहीं देना। मैं तो एक एक्टर हूँ, जहाँ यू कैन से आई एम ए कॉमेडियन, तो मेरा काम है स्टेज पर काम करना ना, तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, एग्जीक्यूशन कैसी होगी, वो तो डायरेक्टर मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे अलग से थोड़ा कॉन्सेप्ट है आपकी वेशभूषा से, समझ नहीं आ रहा मुझे कि आप कौन से रीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे गुजरात है और पंजाब है, तो आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो अब आप ये बताइए सर, जो वेशभूषा है वो पंजाबी पहनते हैं, गुजराती पहनते हैं? पंजाबी पहनते हैं ना, तो बस पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सो पंजाब की एक टीम होगी जिसमें और भी मेम्बर्स होंगे, जो 4 लोग और होंगे, तो 5 लोगों की ये टीम होगी। इस तरह से पंजाब की टीम अलग से होगी, गुजरात की टीम अलग से होगी, तो इस तरह से टीम्स बनेंगी। जिस तरह की आईपीएल में टीमें बनती हैं, इसी तरह से इंडियन मजाक लीग में भी टीम्स बनेंगी, कुछ इस तरह का। आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ही तगड़े हैं। तगड़े मतलब वो क्या देसी घी ज़्यादा खाते हैं? कैसे तगड़े हैं वो? अच्छा, तो कैसे कम्पीट करेंगे आप, क्योंकि वो भी महारथी है कॉमेडी में, आप भी है जी, तो मतलब ज़्यादा कॉमेडी का फ्लेवर या कॉम्पिटिशन का फ्लेवर दिखने वाला है? नहीं, इसमें तो चलिए एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये एक फॉर्मेट ऐसा है कि कंपटीशन होगा इसमें, लेकिन व्हाट आई फील कि कॉमेडी का कोई कंपटीशन नहीं होता ना, कि कॉमेडी में मेरा काम है हंसाना, तो मैं वहाँ पर इसको ये माइंड में नहीं रखूँगा कि मैंने इस तरह वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ कॉमेडी करूँगा और अच्छा लगेगा तो वो हंसेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो जी जी नहीं। ऐसा सच कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि वो क्या जज करेंगे, है ना, वो तो लाइक ठीक है, ऐसे एज ए जज सामने बैठेंगे तो हम परफॉर्म करेंगे, उनको हंसी आएगी, उनको जितना उनको अच्छा लगेगा उस हिसाब से वो हमें मार्क कर देंगे। तो जी जानना चाहेंगे आपसे कि कंसेप्ट के अलावा जो भी आपको स्टोरी या कहानी मिलती है, जोक्स जो भी मिलते हैं, स्क्रिप्ट मिलती है, आप उसके अलावा ऑन द स्पॉट आप कितना क्रिएट कर पाते हैं या फिर ऐसा होता ही नहीं है? जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि जो लाइक जिस तरह से मान लो स्टैंड अप है ना, स्टैंड अप कॉमेडी है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है ना, वो हम खुद ही बनाते हैं। जिस तरह से हम खुद ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें कि आदमी चलता कैसे है ना, पंजाब के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, गुजरात के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि लिखी नहीं जाती, वो खुद ही ऑब्ज़र्व की जाती हैं। ये नहीं कि वो राइटर ऑब्ज़र्व करता है फिर वो आपको बताता है, अगर वो ऑब्ज़र्व करके बताएगा तो ऑब्ज़र्व करके खुद क्यों नहीं कर सकता वो ना, तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं लिखी जाती कभी। हाँ, गैग्स होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स में भी जो कॉमेडी है जिस एक्टर ने करनी होती है वो उसके हिसाब से ही लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो नहीं लिखी जा सकती है ना। जिस तरह से सपोज़ मान लो इमरान हाशमी साहब की पिक्चर है, तो इमरान हाशमी जी को माइंड में रख कर वो फिल्म उस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई उस तरह की फ़िल्म लिख दी है तो उसमें बोलो जी इमरान हाशमी जी इसमें कर दिया ना, तो ऐसा नहीं होता। तो वो गैग्स होते हैं, गैग्स में राइटर्स जो लिख देते हैं, उसके बाद हमें अपने तरीके से अपने एक स्टाइल की इनपुट डालनी पड़ती है, तो वो हम डालते हैं।